नहीं किन्ना संभाल कर थी ना मैं सुनना नहीं मुड़ के ना देखो दिल भर दिल भरो हम हैं अधूरे मेरे को तू गया हानि अमुंडियो डाल के डाका अमुंडियो करके धमाका Yeah.
का तू उखाड़ के जमीन। School who had this to celebrate this Women's Day. However, that was to be celebrated on 8th of March, but that was the day of holiday and the holy festival was there, hence it was postponed and the other date was also fixed. But since there was some busy schedule and that was extended to this day. However, this should have been initiated by the male members of the school instead of initiated by the women. So next time a child is cared by the mother in form of women. As growing age, different forms of women are there to care. So women has got immense power right from the civilization, right from the initiation of the globe, right from the initiation of the Srishti, this is called. And the importance of women can never be overlooked, can never be ignored. Here also we have very wonderful ladies in our school. They have taken up the responsibility very nicely. They have contributed a lot to this school. The first principal of this school was also a lady principal. The women give a big hand for that lady principal also, because the initial days are very crucial, and that is told that ladies or women are treated to be weak physically and mentally. That was the previous consideration, but that all have abolished by such ladies, such women who have proved beyond expectation and beyond the struggle. So I feel proud to have such wonderful ladies with us working. Whenever responsibility is given, rather they accept it gladly more than the male members, what I have expected. Sometimes the male members, har nadi ko khelne ka avsar mile, use samay ke pehle kuchal nahi diya jaye, use masal nahi diya jaye, pure khelne ka avsar mile. कुछ मेरे भाव हैं महिला दिवस को लेकर, जो मैं एक कविता के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ. सोचती हूँ अब नहीं रोमांचित होता मन महिला दिवस के लिए. अब अगर स्त्री और पुरुष दोनों हैं एक ही सिक्के के दो पहलू, तो फिर नारी दिवस ही क्यों? क्या उस आधी आबादी को खुश करने का जरिया है ये? क्या याद दिलाने के लिए उसे कि कमतर हो गई हो तुम, पिछड़ गई हो तुम, दलित दमित कुचली हुई हो, इसलिए एक दिन ताकत जुटाओ, अपनी अस्मिता बचाओ, लड़ो, आगे आओ और स्थापित कर लो अपना बेहतर स्थान या सर्वोच्च स्थान छीन लो.
छीन लो आज, सच पूछे तो ये आज के दौर में बस एक व्यक्तिगत सवाल है। बुद्धि, हिम्मत, आत्मविश्वास इसी ने किसी को भी किसी ने किसी को भी ऊंचा उठाया है, आगे बढ़ाया है। इतिहास गवाह है कि हालात, वक्त ने कहां महिला को हराया है। हर युग में उसने अपना सर्वोच्च स्थान बनाया है। व्यक्ति बनकर पहचान बनाने की ललक ही शायद महिला दिवस मनाने का उद्देश्य बनकर आया है। एक दिवस नहीं, हर दिवस महिला के संग सृष्टि में समाया है। उसने ही तो ये सृष्टि रचाया है। हमें प्रकृति ने जो अंतर दोनों में बनाया है, वही तो नारी के अस्तित्व की, निजत्व की पहचान बनकर आया है। हमने तो हर दिन, हर क्षण, हर पल महिला दिवस मनाया है। हम आया एक में, दूसरे में हीनता धारी। सृष्टि करने वाली बन गई बेचारी। विचार बदले, समाज बदला। एक को सबल और दूसरे को अबलक की मोहर मारी। यह हीनता कुछ ऐसी हुई भारी। खुद पर ध्यान दिलाने की, स्वयं को उबरने की लालसा में अब जरूरत होने लगी लाचारी। समाज वर्ग नहीं, राष्ट्रीयता ही अपनी सीमा और अंतर्राष्ट्रीयता का बाना पहनकर आ गई महिला दिवस की बारी। जब एक को कमतर, दूसरे को उच्चतर माना जाएगा, तब तक आगे बढ़कर भी सर्वोच्चता को प्राप्त कर महिला दिवस हीनता की भावना बस आगे बढ़ने के लिए महिला दिवस मनाया जाता रहेगा। कुछ काम नया ना एक अलग पहचान की जद्दोजहद होगी। ना उकेरने होंगे आसमां पर निशान, ना छाप पानी पर ही छोड़नी होगी। फिर बात करेंगे उस दिन जिस दिन पहचान ना मांगनी होगी। न सूरज से कतरा रोशनी उधार मांगना होगा। सुमन सर बहुत मेहनत से लिख के लाए, सर सुन लीजिए। न सूरज से कतरा रोशनी उधार मांगना होगा, न चांद सा चमकने की बात करनी होगी। भीड़ में एक चेहरा मैं भी, उसे भीड़ से अलग करने की कोई कोशिश न करनी होगी। फिर बात करेंगे उस दिन जिस दिन मुझे मेरे मैं को, मेरे स्व को साबित करना ना होगा। साल के 365 दिनों में नवरात्रों की भीख ना मांगना होगा। फिर बात करेंगे उस दिन जिस दिन देवी सा पत्थर बनने की बात ना होगी और कोख में कुचले जाने का खौफ भी ना होगा। फिर बात करेंगे उस दिन जिस दिन रूप गुण की तराजू में तौली जाऊंगी। एक इंसान हूं मैं और सिर्फ इंसान होने से ही पहचानी जाऊंगी। किसी ने छेड़ी है तान, किसी ने उम्मीद जताई है। महिलाओं को एक दिन का सम्मान देने की घड़ी आई है। तुम माँ हो, जगत जननी हो, ऐसा सबने बताया है। कभी स्नेह वंदन कर, कभी देकर आदर, प्यार भी जताया है। सती हो तुम सावित्री, कहकर आदर्श का पाठ भी पढ़ाया है। परंतु कैसे न करे सवाल, कहो दुर्गा कितनों के मन भाई है। महिलाओं को एक दिन का सम्मान देने की घड़ी आई है। तुम सजो प्रिय, तुम सजो, पहनो गहने, करो ढेरों श्रृंगार। सलज्ज झुके नहनों से, करो नजरों के वार। प्रेम में बांधो सभी रिश्तों को, इतना जतलाओ प्यार। बस ध्यान रखना इतना, कभी दहलीज न हो जाए पार। कहां रोका है तुम्हें, कितनी ही सीमाएं तुम्हारी हमने बढ़ाई है। महिलाओं को एक दिन का सम्मान देने की घड़ी आई है। कब तक न करे प्रश्न, न करे तकरार। जीने दिया है आपने मुझे, तो जताती रहूं आभार। भूल जाऊं हर छोटी गलती पर उठी भौंए। भूल जाऊं झिड़कियां, पीठ पर खाए मार। ठहरो जरा, तुम्हें सिखाने को सबक, अब मेरी बेटी आई है। महिलाओं को एक दिन का सम्मान देने की घड़ी आई है। बेटियों ने
रंग दिया आकाश अपने सपनों से, बताना शुरू किया अपने काम, लेनी बंद की आज्ञा अपनों से, लांघना शुरू कर दिया समंदर को उन्होंने कदमों से, उबरने लगी हूँ मैं भी अब पुराने सदमों से, खुली है आँख अब तो नई पीढ़ी पर नजर गड़ाई है, महिलाओं को एक दिन का सम्मान देने की घड़ी आई है, बन जाओ तुम सड़क पर बैठी एक मोची, बन जाओ तुम सड़क पर बैठी एक मोची, या बन जाओ ऑफिसर जो तुमने है सोची, वैज्ञानिक बनो नाविक बनो या पत्रकार खोजी, या बस लहराओ अपने आंचल खोलो केश और बन जाओ मौजी, कदम कदम दर कदम आगे बढ़ने की शुभ घड़ी आई है, महिलाओं को एक दिन का सम्मान देने की घड़ी आई है। तुम सुनो ना आज मेरी बात, तुम सुनो ना आज मेरी बात, नहीं मांगती मैं तुमसे कोई सौगात, बस बातों से मत करना आघात, मान लूंगी सब कहना बस तुम खड़े हो जाओ मेरे साथ, दोनों पहियों को साथ चलाने की बारी आई है, महिलाओं को एक दिन नहीं हर दिन सम्मान देने की घड़ी आई है। धन्यवाद। विशिंग यू ऑल हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल माय ब्यूटीफुल लेडीज, गॉर्जियस, वंडरफुल। सभी ने बताया कि जो भी यहाँ पे आज आए हैं सभी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन मेरे लिए खूबसूरती का परिभाषा अलग है। आज की नारी खूबसूरत कुछ इस तरह से लगती है, मैं इसको बताऊंगी। जरूरी है कभी कभी खुद के लिए जीना, क्योंकि खुदा भी खुदा होने से पहले खुद होता है। तुम खूबसूरत हो, तुम खूबसूरत हो अगर तुम किसी के दर्द को समझती हो, किसी की मदद करती हो, हिम्मत हारे हुए इंसान को उठाने का साहस रखती हो। हाँ, तुम खूबसूरत हो अगर हर विषय पर खुले आम जानकारी दे सकती हो, तो हाँ तुम खूबसूरत हो। तुम परेशानियों से नहीं डरती हो, चुनौतियों का खुलकर सामना करती हो, तुम खूबसूरत हो अगर तुम सच बोलती हो, सच बोलने और स्वीकारने का हिम्मत रखती हो। हाँ, तुम खूबसूरत हो, तुम खूबसूरत हो। आज की नारी ने असली खूबसूरती से पहचान कराई है, उसके सौंदर्य की कोई उपमा नहीं है, इसलिए मैं बदलने लगी हूँ। अब मैंने जाना, मैं खुद से मोहब्बत करने लगी हूँ, आईने में देख खुद को मुस्कुरा देती हूँ, किसी की परवाह नहीं करती, खुले बालों को बिंदास लहराने देती हूँ, छुपाती सफेदी बालों की, आंखों के नीचे काले घेरे को बीती उम्र का हर पन्ना संजोना चाहती हूँ, मैं अपने उम्र का हर किरदार जीना चाहती हूँ, कोई पछतावा नहीं अपनी गलतियों पर, कोई पछतावा नहीं अपनी गलतियों पर, इंसान हूँ यही खुद को जतलाना चाहती हूँ, मैं खुलकर जीना चाहती हूँ, सबसे ज़्यादा खुद की इज्जत करती हूँ, यही सबको बतलाना चाहती हूँ, मैं बिंदास जीना चाहती हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। और बिंदास सुनिए आप सबको। बनी के सवा मागे बदमामी।
हुए